अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सदवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम दोनों मीठे बना रहे हैं। एक है एप्पल आमंड टार्ट, ठीक है, और एक है नो बेक चॉकलेट केक। उसको टिफ़िन भी कहा जाता है, चॉकलेट टिफ़िन भी कहा जाता है। वेरी वेरी सिंपल, वो हम बाद में करेंगे, उसको सेट कर देंगे। होपफुली आज हम उसको डीमोल्ड कर सकेंगे, नहीं तो फिर कल तो शो है, तो कल मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ओके, नाउ कमिंग टू द एप्पल टार्ट, इसके दो तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप इसकी पेस्ट्री होता है, ठीक है, और पेस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टार्ट में, कीश में। मैंने देखा है बहुत सारे अच्छी बेकरीज़ के भी या अच्छे होम बेकर्स के भी बेसिक जो होते हैं कीश के और टार्ट के, वो कच्चे रह जाते हैं। द रीज़न इज़ वो उनको डबल बेक नहीं करते हैं। डबल बेक करना मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाया है, ब्लाइंड बेकिंग भी सिखाई है, आज एक बार फिर आपको पूरा समझाऊंगी। एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। सो जो पेस्ट्री है, स्वीट पेस्ट्री है, उसमें मैंने 165 ग्राम्स मक्खन लिया था। 100 कितना ग्राम्स होता है 65 उर्दू में, आई डोंट रिमेंबर, सॉरी 80 ग्राम उसमें हमने चीनी डाली है, एक अदद अंडे की जर्दी गई और 265 ग्राम्स मैदा गया है। इसका एक बॉल बना के एक घंटा आप फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर उसको निकालिएगा। पाई प्लेट की जो भी साइज़ हो, फ्लैट हो, बड़ी हो, इस तरह की हो, किसी भी टिन में आप बना रहे हो एप्पल पाई को या एप्पल टार्ट को, नॉर्मली इस तरह के कांच के पायरस के डिशेस मिल जाते हैं आपको मार्केट में, मैंने ये यहीं से लिया है, ठीक है। उसमें आप उसको बेल दीजिए, फिर आप उसको दोबारा एक घंटा फ्रिज में रख दीजिए। अब ये अगर मैं करती तो हमारा घंटे का शो ख़त्म हो जाता। सो ये चीज़ें मैंने बनाना आपको फ्रॉम स्क्रैच भी सिखाई हैं फूड डायरीज़ में इतने सालों में, लेकिन आज मैंने ये इसलिए बेक कर दिया है, हल्का आधा बेक किया है, क्योंकि मुझे इसमें ये फिलिंग डाल के भी बेक करना है, ठीक है। सो डबल बेकिंग बहुत टाइम लग जाता। सो ये पेस्ट्री बना के इसको गूंद लीजिए, इसको एक घंटा फ्रिज में रख दीजिए, निकालिए, बेल दीजिए, इसको इसके साइज़ का काट के 10-15 मिनट के लिए बेक कर दीजिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर आप लीजिए 100 ग्राम मक्खन, 100 ग्राम चीनी पिसी हुई, 2 अदद अंडे, थोड़ा सा एप्पल जूस और 100 ग्राम पिसे हुए ग्राउंड आमंड्स हैं, लेकिन बादाम को मैंने गर्म पानी में डाल के उसका छिलका निकाल के सुखा के कपड़े पे फिर पिसा था, तो इस तरह का पाउडर बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके बेस में जाएंगी। ये इसका फ्रेंजीपेनी है। फ्रेंजीपेनी आमंड का एक पेस्ट होता है जो बहुत इस तरह के टार्ट्स में जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब ये बेक होगा। सो अंडे हैं, चीनी है, एप्पल जूस है, मक्खन है और बादाम है। फिर एप्पल टार्ट में ऑब्वियसली एप्पल्स होते हैं, तो ये एप्पल्स काट के मैंने छिलका उतार के काट के मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिए ताकि डिसकलर ना हो। फिर आप सोचेंगे ये क्या है, तो यहाँ जी क्रीम है, इसमें भी हम थोड़ा सा एप्पल जूस डालेंगे, चीनी डालेंगे या आइसिंग शुगर डालिए, वनीला एसेंस डालिए और इसको साथ में हम इसके सर्व करेंगे। सो ये इसका शैंटिली क्रीम है, ये इसका फ्रेंजीपेनी है, ये इसकी स्वीट पेस्ट्री है और ये इसके एप्पल्स हैं। फिर जब ये पूरा बेक हो जाएगा, जब ये निकलेगा, तो यहाँ मेरे पास आइसिंग शुगर है, वो इसको हम ऊपर छन्नी के साथ डस्ट कर देंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन आपको इसके स्टेप्स फॉलो करने हैं। बेकिंग इज़ अ साइंस, इट्स एन आर्ट ऑल्सो, बट एक्चुअली इसके आपको स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और कोई चीज़ ऐसे नहीं कि चलो अब बादाम नहीं है कुछ और डाल देंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये कढ़ाई नहीं बना रहे हैं कि चले आज टमाटर नहीं है तो दही डाल देंगे, ये नहीं करिएगा। इसमें एग्जैक्टली जो चीज़ें लिखी हैं वो फॉलो करिएगा और बनाइएगा और फिर मुझे भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो वीव गॉट डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर इनेक्स की तरफ से। आप मुझे बताइए सेब से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, कितना कुछ हम सेब से बनाते हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये मैं ले रही हूँ 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन, उसमें हम डालेंगे 100 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी, ठीक है। फिर उसमें हम डालेंगे 2 अदद अंडे और पहले इन सारी चीज़ों को ज़रा बीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर बादाम और थोड़ा सा एप्पल जूस। बादाम को पहले तोल दीजिएगा, फिर पानी में डालिएगा, उसके बाद उसका छिलका निकाल दीजिएगा और फिर उसको सुखा के फिर पीसिएगा, ये प्लीज़ याद रखिएगा। जस्ट फॉर द नाइस फ्लेवर थोड़ा सा इसमें जाएगा एप्पल जूस। दोबारा मिक्स कीजिए।
ये रेडी हो गई आपकी फ्रेंजीपेनी, जो बादाम का पेस्ट है जो नीचे जाएगा आपके टार्ट में। अगर आप कच्चे टार्ट से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसको ऐसे ही बेल के रख दिया है, ये पका नहीं है, तो टाइम लगेगा। उसमें क्या होगा, नीचे से नॉर्मली बीच में से टार्ट का जो बेस होता है वो कच्चा रह जाता है, वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा और आप उसको सही तरह काट भी नहीं सकेंगे। तो मेरी एडवाइस है, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव आल्सो मेड मिस्टेक्स, ये आप पहले बेक कर दीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। इसको बेक करके निकाल के ठंडा करके फिर इसके ऊपर फिलिंग टॉपिंग जो भी आपको करना है, और अगर एप्पल्स नहीं यूज़ करने हैं, पीचेस जब सीजन में होते हैं, इसी तरह आप फ्रेंजीपेनी बना के ये बादाम का पेस्ट फिर पीचेस रख सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया है, इसको हम निकाल देते हैं। इसको हम यहाँ डाल देते हैं, इसके ऊपर जाएगा एप्पल का पूरा एक लेयर, ठीक है। एप्पल्स को पानी में डाला था तो पानी भी निकाल देते हैं। चीज़ें समेट लिया करें, धोने के लिए आसानी रहेगी। देख लिया, ओके, हो गया। अब आप साफ हाथों से इसको पूरे इसके ऊपर बिछा दीजिए। पूरा कवर वैसे हो जाएगा, इसके ऊपर आपको इसको आपको अगर हो सके तो एक ही साइज के काटिएगा और रखते जाइए, और ये बेक होंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम आइसिंग शुगर छिड़केंगे। पूरा भर देना है हमने, ठीक है, जगह कहीं छोड़नी नहीं है। मैं जब तक ये कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आई विल डू दिस। इसको मैं अवन में रख देती हूँ और ब्रेक पे चलते हैं, फिर आके इसका क्रीम बना लेंगे, रेडी कर देंगे उसको, और फिर हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आएंगे। सो बहुत सारा टाइम होगा आज मेरे पास, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, और आप हमें SMS करके बताइए सेब से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आप जीत सकते हैं डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर NX की तरफ से। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV। मैंने इसको अवन में रख दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन मैंने आज इसके ऊपर और नीचे दोनों के फंक्शंस ऑन कर दिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है, सो आई वांट कि ऊपर से भी अच्छी तरह वो पक जाए, अंदर से भी नीचे से भी पूरा फुल पक जाए। ओके, एक चीज़ और भी मैंने की थी, एप्पल्स आप रखिए और उसके बाद उसके ऊपर आप आइसिंग शुगर या चीनी छिड़क दीजिएगा। एप्पल्स को कैरमलाइज होना है, अंदर हमने जो पेस्ट बना के रखा है अंडे और मक्खन और बादाम वाला, वो पकेगा, ठीक है। जब आप काटेंगे ना तो नीचे से ऐसा लगेगा मार्जिपैन का लेयर है और फिर ऊपर से सेब है। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। आजकल गर्म डिज़र्ट्स आर इन बिकॉज ऑब्वियसली विंटर है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा क्रीम है, पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऑन द साइड हमें बस ये इसको सर्व करना है। सो क्रीम, थोड़ा सा एप्पल जूस डालते हैं इसमें, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, ये साइड में आपने सर्व करना है ठंडा करके, गरम गरम एप्पल पाई, ठंडा ठंडा ये एप्पल टार्ट, एप्पल पाई, व्हाटएवर। चीनी, आइसिंग शुगर डालें, कैस्टर शुगर डालें, व्हाटएवर, और फिर इसको यहाँ हाथ से मिक्स कर दीजिए। किसी बोल में मैं निकाल देती हूँ, फिर जब हम इसको रखेंगे इफ़ यू नीड देन यूज़ दिस, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। हो गया ये, ठीक है। ये क्रीम है, ये इसका शैंटिले क्रीम है, आप चाहें तो पोरिंग क्रीम, पतला इस तरह का क्रीम ले लीजिए,
व्हिपिंग क्रीम लेना है वो ले लीजिए, वॉट एवर यू लाइक, बस शुगर के लम्ब्स जो हैं वो निकल जाएं, बस किसी बोल में डाल दीजिए, ये है रेडी। इसमें नहीं करेंगे सर, लेकिन एप्पल जूस का फ्लेवर भी हो, एसेंस भी हो, रेडी। ओके, अब मैं झटपट एक रिकैप कर दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी। देखें, 3 से 4 बड़े सेब लीजिएगा, छिलका निकाल दीजिएगा वेजिटेबल पीलर से या छुरी से, जिस तरह भी आप काटते हैं, और उसको पतले पीसेस में काट लीजिएगा। मुझे थोड़े ज़रा मोटे पीसेस अच्छे लगते हैं सेब के, ताकि जब वो पक जाएँ, कैरमलाइज हो जाएँ तो थोड़ा सा हो, वरना वो अंदर प्यूरे हो जाएंगे, बहुत पतले आप करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये फ्रेंजिपेनी यानी कि नीचे का जो बेस नहीं बनाना है बादाम वाला, तो आप इसके नीचे फिर एक कस्टर्ड बेक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एप्पल्स को पका के रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक मुख्तलिफ रेसिपी है। ये एप्पल एंड आमंड टार्ट है, सो आमंड का फ्लेवर भी इसमें आना चाहिए ना, लेयर एक होना चाहिए। सो मैंने क्या किया था, 100 ग्राम मक्खन लिया था, 100 ग्राम आइसिंग शुगर डाली, और उसमें 100 ग्राम पिसे हुए बादाम थे, 2 अदद अंडे थे, 50 ml जितना थोड़ा सा हमने एप्पल जूस लिया था। हर चीज़ मिक्स करके इस टार्ट के ऊपर रख दीजिएगा, जो बेस बनाया था उसके ऊपर रख दीजिएगा। उसको बेक करने से पहले एप्पल्स काट के रख दीजिएगा, थोड़ी सी चीनी ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा, ये बेक हो रहा है। अब मैं हमेशा कोई भी चीज़ बनाऊँ, कीश बनाऊँ, टार्ट बनाऊँ, जिसका बेस हो इस तरह का पेस्ट्री, तो मैं हमेशा शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री हो कि स्वीट पेस्ट्री हो, कुछ भी हो, मैं उसको हमेशा डबल बेक करती हूँ, बिकॉज मुझे एक क्रिस्प बेस अच्छा लगता है। क्रिस्प बेस कैसे आएगा, उसको आपको ब्लाइंड बेक करना है। ब्लाइंड बेक कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको कितनी दफ़ा सिखाया है। ये बेस को रोल करके, इस पेस्ट्री को रोल करके आपने टिन में, डिश में रख दिया उसी की साइज़ का, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपने एक पेपर का टुकड़ा रखा, ग्रीस प्रूफ पेपर, फॉइल नहीं रखिएगा, ठीक है, और कोई पेपर नहीं रखिएगा, प्लीज़ ये पेपर नहीं रखिएगा, नॉट द किचन पेपर, ये चिपक जाएगा। सो ग्रीस प्रूफ पेपर ही चाहिए, बेकिंग पेपर आपको मिल जाता है, अगर आप कराची में हैं तो आपको एम्प्रेस मार्केट में हर चीज़ मिल जाएगी, और ऑनलाइन बेकिंग सप्लाई स्टोर्स भी इतने सारे खुल गए हैं फेसबुक पे इधर उधर, कि आप ऑनलाइन हर चीज़ घर पे आप मंगा सकते हैं। तो एक टुकड़ा उसका लीजिएगा, इस डिश से थोड़ा बड़ा, उसके अंदर बीन्स डाल दीजिएगा। आपने देखा होगा मैं बहुत सारे सालों से एक ही बीन्स इस्तेमाल करती हूँ, लोबिया ले लें, चने की दाल ले लें, चावल ले लें, कुछ भी ले लें, सूखा उस पर रख दीजिएगा, ठीक है। और फिर जब वो आपको वह आप बार बार आप उसको रिसाइकल करिए, मैं कितनी दफ़ा वो इस्तेमाल करती हूँ और डब्बा भर के रख देती हूँ, फिर कभी जब भी कोई की स्टार्ट बनाना हो फिर वही आप वापस इस्तेमाल करें। सो वो बिछा दीजिएगा, फिर आप उसको 10 मिनट तक बेक कर दीजिए, निकालिए, पेपर हटा दीजिए, बीन्स को वापस ठंडा करके बोल में रख दीजिए या किसी बॉक्स में बंद कर दीजिए, और फिर आप उसके ऊपर जो भी चीज़ें डालनी है वो डालिए। जी, कोई कॉलर है, फातिमा है हवेलियाँ से, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। हाँ जी, अभी आई है आपको मेरी आवाज़? जी मुझे तो आपकी आवाज़, आप मेरी भी आवाज़ डबल डबल आ रही थी ना, इसलिए कह रही थी। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जी फरमाइए। हाँ, आज आपको मैंने क्वेश्चन का आंसर देना था एप्पल के मुतालिक, के आपने क्वेश्चन किया था कि एप्पल के मुतालिक के कौन कौन सी डिशेस बन सकती है एप्पल से। सबसे तो पहले आपको पता है एप्पल से केक्स, कुकीज बनते हैं, जैम्स बनते हैं, मामलेट बनते हैं, पाई बनती है, एप्पल ब्रेड बनता है और एप्पल ट्राइफल बनता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी डिशेज हैं। एप्पल ट्राइफल, ओके ठीक है, ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, सही है। अच्छा, तो मैं जैसे कि कह रही थी कि जब एक दफ़ा आपने पेस्ट्री बनाना सीख लिया, पेस्ट्री बनाते वक्त मक्खन ठंडा होना चाहिए, कभी भी मक्खन पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट ब्रेड हो कि शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री हो, इस तरह की पेस्ट्री हो, कोई भी कीश की पेस्ट्री हो, मक्खन को ठंडा होना चाहिए। अंडे अगर डाल रहे हैं, अंडे भी ठंडे होने चाहिए। बेकिंग के वक्त मैं कहती हूँ ना, मक्खन और अंडे बाहर निकाल कर रख दिया करें फ्रिज में से, मगर जब इस तरह की पेस्ट्री बनती है उसमें अगर पानी डले, दूध डले, कुछ भी हो, तो उसको भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा, बिकॉज इससे आप एक बेहतर चीज़ बना सकेंगे, ठीक है। सिखाने को तो ऐसे भी सिखा लेते हैं लोग, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं ओवर द पास्ट सो मेनी ईयर्स, तो वो फ़ायदेमंद है। किताब तो कोई भी पढ़ लेगा और किताब में से तो रेसिपी कोई भी बना लेगा, लेकिन बनाते वक्त जहाँ कहीं फंस जाते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है, वो आप करें ही ना मिस्टेक, ताकि
हम लोगों से सीखिए और ये इंग्रेडिएंट्स भी आपके ज़ाया ना हो। तो चले आपको मैंने बता दिया कि सेब काट लीजिएगा, आइसिंग शुगर मैंने थोड़ी सी रखी है, जब निकलेगी अवन में से ये डिश उसको मैं उसके ऊपर भी आइसिंग शुगर छिड़कूंगी। सो मक्खन, चीनी, मैदा और अंडे की जर्दी के साथ मैंने इसका डो बना दिया था। डो को 1 से 2 घंटे मैं तो ओवरनाइट फ्रिज में रख देती हूँ, और बहुत सारा डो बना के लेबल करके आप उसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, 4-4, 6-6 महीने तक लोग रखते हैं। मगर उस पर लिख लीजिएगा कि ये है एप्पल एंड आमंड टार्ट का बेस, उसको लेबल कर दीजिएगा, डेट लिख लीजिएगा कि आपने अभी नवंबर 2022 में बनाया है, और उसको अच्छी तरह पहले क्लिंग में रैप करिएगा, फिर फॉइल में रैप करिएगा, फिर एक बैग में रखिएगा ताकि उसमें कोई स्मेल फ्रिज का, फ्रीज़र का नहीं चला जाए। फ्रिज में 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखिएगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा, फ्रीज़र में रखिएगा, ठीक है। और इस्तेमाल से 1 रात पहले उतार दीजिएगा, फिर बेल दीजिएगा, फिर आटा गूंदने के लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। इसको आप या तो हाथ से गूंदिए, मतलब हाथ से मतलब छुरी से, हाथ से आटे की तरह गूंदिएगा नहीं, मक्खन पिघल जाएगा हाथ की हीट से, ठीक है। या आप फिर फूड प्रोसेसर में डाल दीजिए, फूड प्रोसेसर नहीं है ब्लेंडर में डाल दीजिए, वो नहीं है तो इस मशीन के साथ कर दीजिए, मगर हाथ का इस्तेमाल नहीं करिएगा, गूंदना नहीं है, ओके, ये याद रखिएगा। और हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए। तो ये बना के आपने निकाला, फिर आपने उसको बेला और आपने उसको रख दिया डिश में। डिश में रखने के बाद पेपर के ऊपर बीन्स और बेक कर दिया, निकाला, ठंडा किया, फिर ये बादाम वाला पेस्ट डाला, सेब डाले, चीनी डाली, बेक कर दिया। ये मैंने रिकैप पूरा किया है कि अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो कुछ भी रह ना जाए, ठीक है। अब आएंगे ब्रेक से, फिर हम बनाएंगे बहुत ही आसान सा नो बेक चॉकलेट केक, चॉकलेट टिफिन के नाम से भी ये मशहूर है। सो विल टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो मुझे बताइए सेब से बनने वाले रेसिपीज के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक, ओके, खुशबू आ रही है और ये बबल हो रहा है। इफ़ द कैमरा कैन कैच इट प्लीज़ दिखाइए, ये ऊपर से गोल्डन हो रहा है, ठीक है। अब ये अगर मैं बेस कच्चा रखती तो ये ऊपर से जल्दी से गोल्डन हो जाता, बेस नीचे से कच्चा रहता, तो इसीलिए बेस बेक करना पहले बहुत ज़रूरी है। अब मैंने क्या किया है, आज मैंने ऊपर और नीचे का फंक्शन ऑन किया है, आपने देखा, और फैन भी ऑन है, सो नीचे से भी बेक हो रहा है, बबल हो रहा है, ऊपर से गोल्डन हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आपको कभी लगे कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बेक हो रही है, ऊपर से जल्दी से बेक हो जाती है, अंदर से कहीं कच्ची ना रह जाए, तो एक फॉइल का टुकड़ा लीजिएगा, इसी की साइज़ का, टिन की साइज़ का, डिश के साइज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं नहीं कर रही लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, क्या परेशान नहीं हो, और उसके ऊपर हल्का सा ऐसे रखिएगा, टेंट करना इसको कहते हैं, ऐसे करके दबा के नहीं रखिएगा, ठीक है, हल्का सा रखिएगा, ऐसे हल्का सा डिश के ऊपर ऐसे हल्का सा रखिएगा ताकि उसको हीट एकदम डायरेक्ट ना लगे, और उसको फिर अंदर से पकने का टाइम मिले, ये अभी आप याद रखिएगा। एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो, कहाँ चले गए कॉलर, नहीं है, है कि नहीं है, नहीं है, चले गए, अच्छा जी, दोबारा ट्राई करिएगा, लाइन कट गई। नो बेक चॉकलेट केक की तरफ आते हैं, 8 ounces चॉप की हुई चॉकलेट और 8 ounces जितना क्रीम, जैसे हम गणेश नहीं बनाते हैं वैसे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ धीमी करें। वालेकुम, मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मैडम। आपकी आवाज़ तो एकदम फाइन आ रही है मुझे, बताइए। आपका शो मैं हफ्ता और इतवार बहुत शौक से देखता हूँ और आपकी रेसिपी मैं ट्राई करता हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या ट्राई किया अभी तक आपने? दही बैंगन जो आपने बनाए थे ना, वो मैंने ट्राई किए थे। दही बैंगन जी, कब? और मेरी एक फरमाइश भी है जी जी, चिकन सूप बनाना सिखा दे जी जी। बहुत सारे सूप आ रहे हैं, फिक्र नहीं करें, सवाल का जवाब दूंगा जी जरूर। एप्पल जूस, एप्पल केक, एप्पल जैम, एप्पल ब्रेड। ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब जैसे हम हमेशा गणेश बनाते हैं, चॉकलेट और क्रीम आपने पिघला दिया, फिर दूसरी चीज़ें क्या हैं, इसमें हम बहुत थोड़ा सा से चुटकी भर नमक डालेंगे, और एकदम थोड़ा सा, अगेन सरप्राइजिंगली, दिस गरम मसाला पाउडर जाएगा, जस्ट अ लिटिल बिट, और कॉफ़ी पाउडर जाएगा,
ठीक है, और इसको मिक्स करिए। मुझे ना थोड़ा सा क्रीम और डालना है, आई थिंक आई हैव गॉट सम क्रीम इन माय फ्रिज। क्रीम डालते हैं थोड़ा सा, इसको चूल्हे से हटाते हैं। मिशेल हैं लाहौर से जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, फरमाइए जी। आपका शो बहुत मजे का है, मैं देख रही हूँ अभी। थैंक यू। बहुत मजे की आपने डिश बनाई है, इंशाल्लाह ताला जरूर ट्राई करूंगी मैं। जी जी जरूर। और मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना था। जी जी जी। एप्पल की जो सी डिशेज आप पूछ रही थी, उनमें ज्यादातर जो सी हैं वो एप्पल की जो जैम है वो, और एप्पल का कस्टर्ड भी बनता है। okay. और एप्पल की पाई भी है, टार्ट्स भी हैं। ठीक है। और ठीक है, ठीक है। कुछ लोग इसकी वो पेस्ट्रीज भी बनाते हैं। okay, तो ये तमाम डिशेज हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, जवाब दिया, जवाब नोट कर दिया है। अब मैंने इसको यहाँ डालना है, और जल्दी से बिफोर ये सेट होना शुरू हो जाए हर चीज़ मिक्स कर देनी है जो मुझे अंदर डालनी है। मार्शमेलोज डाल सकते हैं, फज के पीसेस डाल सकते हैं, अपनी फेवरेट कोई चॉकलेट डाल सकते हैं, टॉफ़ी को चॉप करके डाल सकते हैं, एनी थिंग यू लाइक। मेरे पास यहाँ बिस्किट्स हैं कोकोनट फ्लेवर वाले, मुझे बहुत पसंद हैं खोपरे के बिस्किट्स। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहाँ चेरीज़ हैं, हर रंग के चेरीज़ हैं, येलो भी हैं, रेड भी हैं, ग्रीन भी हैं, उनको ज़रा चॉप अप करके डाल देंगे। ठीक है, कलरफुल होना चाहिए अंदर से जब आप काटेंगे इसको। देखा, अवन नहीं है तो घी वाला केक बनाइए, बच्चे भी बना सकते हैं, इट्स सो सिंपल। और अगर कॉफ़ी नहीं डालनी है, कॉफ़ी नहीं डालिए। ये येलो वाले भी हैं, इस तरह के चेरीज़ आपको मार्केट में मिल जाते हैं, सारे मैंने एम्प्रेस मार्केट से लिए हैं, हर चीज़ यहाँ मिलती है। अब दूसरे शहरों के लिए आई कांट से कि कौन सी मार्केट जाएँ, कराची वालों को तो आई कैन एटलीस्ट एडवाइज ना कि यहाँ जाइए। अच्छा जी, ऊपर हम डस्ट करेंगे कोको पाउडर के साथ, लेकिन वो बाद में। सो पहले मैं इसको ज़रा मिक्स कर दूं। अच्छा, किस में हम इसको सेट करेंगे? इस तरह का एक टिन ले लीजिएगा, लोफ टिन, बिकॉज हम इसके स्लाइसेस काटेंगे और इसके अंदर हम पेपर क्लिंग लगाएंगे, पेपर नहीं क्लिंग लगाएंगे। अच्छा, अब इसको जल्दी से हमें मिक्स करना है इससे पहले कि ये सेट हो जाए चॉकलेट, बिकॉज सर्दी है, एसीज भी यहाँ चल रहे हैं, और अगर अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी सेट होना भी शुरू हो जाएगी। सो क्विकली क्विकली को मिक्स करिए। बिस्किट के इतने बड़े बड़े पीसेस ही रखिएगा, चेरीज़ हैं, कुछ भी आपको जो भी अंदर डालना हो, बच्चों की कोई भी फेवरेट चीज़ हो, मार्शमेलोज़ हो, फज हो, टॉफ़ी हो, कोई स्वीट्स हो, कुछ भी कलर होना चाहिए अंदर। मुझे कलर कम लग रहा है, सो वील ऐड सम मोर। फरजाना है पिंडी से, उप्स, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, आप कैसी हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, आपकी लाइन कट जाएगी। जी मैंने कह रही थी कि जो आप केक बना रही है ये विदाउट बेक बना रही है, मतलब इसको बेक नहीं करना पड़ेगा? नो बेक का मतलब होता है कि अवन के बगैर बेक नहीं करते हैं, इसमें बेकिंग ही नहीं है, कुछ भी ऐसे ही सेट हो जाएगा, खा लीजिए। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं मुझे सही तरह से आ रही। आवाज़ सही तरह नहीं आ रही मेरी बहन, क्योंकि टीवी का वॉल्यूम आपने खुला हुआ है। देखिए लाइन ड्रॉप हो गई ना आपकी, जब भी आप लोग हमें कॉल करें जैसे ही हमारी लाइन लग जाए फौरन आप हम टीवी म्यूट कर दिया करें, और फिर अगर अपनी आवाज़ सुननी है तो रिपीट में सुन लिया करें। अच्छा, अब ये है कि जनाब ये हमने बना लिया रेडी रेडी, अब मगर आप इसको स्लाइस करके खा तो नहीं सकेंगे ना, ये मुझे फ्रिज में रखना है रात भर, और कल मैं जब आऊँगी तब मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी। उल्टा करेंगे इसको, इस पर और चेरीज लगाएंगे, कोको पाउडर छिड़केंगे, बिस्किट्स रखेंगे और इसको सजाएंगे, और फिर स्लाइसेस में काट के आप खाइएगा, बहुत मज़ेदार। नो बेक चॉकलेट केक का मतलब होता है अवन के बगैर, बेकिंग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने अगर जीतना है एनिक्स की तरफ से डीलक्स 2 स्लाइस टोस्टर, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताइए, SMS करिए अपने फ़ोन से, और बताइए सेब से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर। जरूर आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और मैं रिकैप कर दूं कि चॉकलेट केक जो है नो बेक चॉकलेट केक, हमारी कॉलर ने भी पूछा था तो मैंने बताया है कि इसमें बेकिंग इन्वॉल्व ही नहीं है, इसको बस जमाना है,
आप वहाँ देख सकते हैं मैंने फ्रिज में से निकाल के रख दिया है टिन में। अभी तो ऑब्वियसली आपको निकाल के नहीं दिखा सकती हूँ, ना तस्वीरें होंगी, तो ये दोनों चीज़ें हम आपको कल दिखाएंगे कल के शो में, ठीक है। सो क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करेंगे, इसका पेपर जो है या इसका जो भी आपने क्लिंग रखा है वो आराम से पील कर दीजिएगा, फिर इसके स्लाइसेस काटिएगा, इसके ऊपर कोको पाउडर छिड़किएगा और मज़ीद बिस्किट्स चॉप करेंगे, चेरीज डालेंगे और बहुत मज़ेदार सा कलरफुल सा इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जो क्रीम बनाया है हमने वो भी रेडी है। क्रीम में मैंने क्या चीज़ें डाली थी, मैंने उसमें क्रीम के साथ साथ आइसिंग शुगर, वेनिला एसेंस, एप्पल जूस डाला था, पतला होगा वो सर्विंग के लिए। और वहाँ अगर आप कैमरा कैच कर ले अवन को, तो मेरे फोटाइल के अवन के अंदर बेक हो रहा है एप्पल एंड आमंड टार्ट, उसमें जो है ऊपर अच्छा सा कलर आ गया था। तो अब देखिए मैंने कौन सा फंक्शन ऑन किया है, अब मैंने जाके वो फंक्शन बंद कर दिया जो ऊपर और नीचे का था, और सिर्फ अब नीचे का फ़ैन के साथ। तो ये फ़ायदे हैं फोटाइल के अवन के कि यू कैन यूज़ सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स। आपके घर के अवन में नहीं हो तो परेशान नहीं होगा, मेरे पास भी घर में इस तरह का अवन नहीं है, फिर भी बेकिंग तो होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है ऊपर का हिस्सा ब्राउन होने में। ये देखें ये फ़ौरन ब्राउन हो गया ना, ये कौन सा हिस्सा ब्राउन हुआ, जो फ्रेंजिपेनी था वो ऊपर हो गया बेक होके, और जो सेप हैं वो वैसे ही के वैसे ही हैं अगर आप देख सकते हैं तो। इसको मैं निकाल के जब रखूँगी तो फिर आपको दिखाएंगे, और उसके ऊपर फिर हम दोबारा आइसिंग शुगर छन्नी के साथ छिड़केंगे, और फिर इसको आप काट नहीं सकेंगे, दो तीन घंटे छोड़िएगा, इतना गर्म आप काटेंगे तो पूरा बिखर जाएगा। इसको आप वार्म सर्व करेंगे ना, खोलता हुआ अवन में से तो नहीं सर्व करेंगे, वार्म सर्व करेंगे, तो फिर उसके आप वेजेज़ या स्लाइसिस काट के इस क्रीम के साथ सर्व करिएगा। सो इसी तरह ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरह आप हमारी कॉल करते रहें, हमें फीडबैक देते रहें और हमारे सारे शोज़ देखते रहें। सो दिस इज़ आर ओके आप। सो मैं अब नो बेक चॉकलेट केक का भी रिकैप कर दूँ, आपने चॉकलेट लेनी है, क्रीम लेना है, इक्वल क्वांटिटीज़ की लीजिएगा, ठीक है। उसको आप एक हल्का सा उबाल दे दीजिएगा, और उसमें फिर आप चूल्हे से हटा के जब चॉकलेट अच्छी तरह पिघल जाए, और चॉकलेट को पिघलाते वक्त ये याद रखिएगा ज़रा सा भी पानी अंदर ना जाए, बोल या पैन चिकना ना हो, गंदा ना हो, गीला ना हो, वरना क्या चमचा भी गीला ना हो, ठीक है, वरना चॉकलेट जकड़ जाएगी। एक दफ़ा वो चॉकलेट जकड़ जाएगी, जिसको इंग्लिश में इन दिस टर्मिनोलॉजी कहते हैं सीज हो जाती है, चॉकलेट अगर सीज हो गई तो उसके बाद आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हार्ड हो जाएगी, फेंक देना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर करिएगा कि चमचा या पैन गीला ना हो। उसके बाद उसमें आपने क्रीम मिक्स किया, चुटकी भर एक मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। ये नहीं सोचिएगा ओहो तो गरम मसाला कैसे आ गया केक में, ये है जिसमें लौंग है, दालचीनी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत कम डालिएगा, आधा टीस्पून जितना, एक चमचा भर के मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला था, चुटकी भर नमक डाला था, और फिर आप पे डिपेंड करता है आपने इसमें क्या डालना है। बिस्किट्स तो होने चाहिए, चेरीज भी होने चाहिए, ठीक है। बिस्किट्स आप मोटे मोटे चॉप करके डालिएगा, अच्छा सा एक टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें कोकोनट फ्लेवर के बिस्किट्स डाल दिए हैं। आप प्लेन वाले टी टाइम बिस्किट्स डालें, बच्चों को वो डार्क चॉकलेट कुकीज़ क्रीम वाले पसंद है वो मोटे मोटे चॉप करके डालें, लेकिन उसको पीसिएगा नहीं, उसका चूरा नहीं बनाना है, हमने उसको कॉर्सली चॉप, मोटा मोटा चॉप करना है। चेरीज भी पूरे पूरे चॉप कर दीजिए, आधे आधे रखिए, स्लाइसेस करते वक्त वो अच्छा रहेगा अगर आधे आधे होंगे तो। और बस और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। फिर उसको आपने सेट कर दिया, सेट कर दिया, फ्रिज में रखिए, दूसरे दिन निकालिए, स्लाइसेस काटिए, कोको पाउडर छिड़किए, उसी बिस्किट का चूरा डालिए या फिर उस बिस्किट को चॉप कर दीजिए, चेरीज लगा के, सब कुछ हम कल करेंगे, कल का शो मिस नहीं करिएगा। फूड डायरीज अब है सैटरडे संडे हफ्ता इतवार 4 से 5 लाइव, और कुकिंग क्लास होने वाली थी, आज हम इस्लामाबाद में होते, लेकिन चंद वजूहात की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन और व्हाटएवर इट वाज, हम इधर कराची में आपके साथ लाइव हैं। तो फिर भी हम जा तो रहे हैं इस्लामाबाद 10th वाले वीकेंड पे, 10th सैटरडे दिसंबर 10th को, और जो सारे लोग आएंगे उनका बहुत शुक्रिया। अगर आपको आना है, हमसे मिलना है, हमसे रेसिपी सीखनी है, मैं शीरिन आपा और रिदा आएंगे, और वहाँ के भी लेजेंड पैलेस होटल के भी 2 शेफ्स होंगे। तो अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, हमारे साथ लंच खाना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कराइए। नंबर्स चल रहे हैं, हमारे प्रोमो भी चल रहा है, और आइए इस्लामाबाद में लेजेंड पैलेस होटल में हमसे मुलाकात करिएगा, ठीक है। फिर डोंट बी डिसअपॉइंटेड, जल्दी से खरीद लीजिएगा, बिकॉज फिर क्या होता है कि टिकट्स सीट्स खत्म हो जाती हैं। ओके, इसकी खुशबू बहुत आ रही है, देखें कितना ये बबल हो रहा है, नीचे से भी, ऊपर से भी, हर जगह से। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और इसको हम निकाल के रख देंगे, वैसे भी वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। सो हम जाते हैं रेसिपी रिकैप की तरफ। ओके, रेसिपी रिकैप हो जाएगा, हम वापस आएंगे और फिर यहाँ आपको मिलेगा हमारा एप्पल एंड आमंड चाट।
स्टे ट्यून्ड की वॉचिंग फूड डायरीज। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे SMS करिए अपने फ़ोन से और बताइए सेब से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। एप्पल इन आमंड टार्ट अज्जा, सेब चार अदद, आइसिंग शुगर डस्ट के लिए, स्वीट पेस्ट्री के लिए मक्खन 165 ग्राम, कास्टर शुगर 80 ग्राम, मैदा 265 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, फ्रेंजी पैन के लिए मक्खन 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, अंडे 2 अदद, कटे बादाम 100 ग्राम, एप्पल जूस 50 मिलीलीटर, शैंटली क्रीम के लिए क्रीम 250 मिलीलीटर, आइसिंग शुगर 50 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। तरकीब, मक्खन और चीनी को फेंट लें, मैदा मिक्स करें, अंडे की जर्दी शामिल करके मिक्स करें और बोल से निकालकर किलिंग रैप्स करें और रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। मक्खन और आइसिंग शुगर को फेंटें, एक एक अंडा डालें, पिसे बादाम और एप्पल जूस फोल्ड करें, ठंडी पेस्ट्री बेलकर टार्ट रिंग में फैलाएं और दोबारा 20 मिनट ठंडा कर लें। इस पर फ्रंजी पैन का एक चमचा मिक्सचर डालें, सेब के दरमियान होल करके मिक्सचर पर रखें, आइसिंग शुगर छिड़कें और ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा 15 मिनट बेक करें और निकाल के ठंडा कर लें। क्रीम और आइसिंग शुगर फेंट लें, इसमें एप्पल जूस और वनीला एसेंस विस्क करें, फिर टार्ट पे सजा के सर्व कर दें। नो बेक चॉकलेट केक अज्जा, कटी चॉकलेट 8 ounce, क्रीम 8 ounce, ऑल स्पाइस आधा चाय का चमचा, कॉफ़ी पाउडर 2 चाय के चमचे, कटी चेरीज आधा कप, प्लेन बिस्किट्स 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, कोको पाउडर डस्ट के लिए, चेरीज डेकोरेट के लिए, बिस्किट्स डेकोरेट के लिए। तरकीब, कटी चॉकलेट और क्रीम साथ गर्म करें, ऑल स्पाइस नमक और कॉफ़ी पाउडर मिक्स करें, इसमें प्लेन बिस्किट्स और कटी चेरीज फोल्ड करें, ग्रीस किए लोफ पैन में डाल के रात भर रेफ्रिजरेट कर लें, सेट हो जाए तो निकाल कर कोको पाउडर छिड़क दें, आखिर में चेरीज और बिस्किट्स से डेकोरेट करके सर्व कर दें। देखें, यहाँ मैंने इसके ऊपर चीनी अभी नहीं डाली थी, बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू सी कि सेब वैसे ही रहे हैं और जो ये ब्राउन हो गया है ना, ये पार्ट, ये वो फ्रेंजिपानी, ये एप्पल के नीचे जो हमने वो बादाम का डाला था ना वो। अब इसके ऊपर आप आइसिंग शुगर लीजिए एक छन्नी में, फिर आप इसके ऊपर इस तरह कर लीजिए। अभी तो ये बहुत गर्म है, अभी इसके मैं स्लाइसेस नहीं काटूंगी, कल जब मैं आऊंगी शो पे तब मैं काट के फिर आप लोग देख सकते हैं। तो कल का शो भी मिस नहीं करिएगा, 4 से 5 हम लाइव हैं ऑन मसाला TV, ठीक है। थोड़ा सा बेशक अंदर जज्ब भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज़ डन। वो क्रीम भी, शैंटली क्रीम भी हमने बना दिया था, वो इसके साथ जाएगा। और ये जो हमने नो बेक चॉकलेट केक बनाया है, ये अभी ऑब्वियसली इट्स नॉट सेट, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें जो मिकदार लिखी है मैंने वही इस्तेमाल करिएगा, क्रीम की मिकदार ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा। अगर आपने क्रीम ज़्यादा कर दिया तो फिर क्या होगा कि वो पतला हो जाएगा और फिर वो उस तरह आप उसके स्लाइसेस नहीं काट सकेंगे, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द शो। आप कौन जीता, कौन है आज टोस्टर, ये तो मुझे बताइए। सफिया लाहौर से, मुबारक हो, इनिक्स का गिफ्ट आपको जल्द पहुंचा दिया जाएगा। आपको कॉल आएगी तो आप उठाइएगा, आप एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। कल बहुत मज़ेदार सा एक और नो बेक पाइनएप्पल चीज़ केक है, अगर आप लोगों को चीज़ केक का शौक़ है, पाइनएप्पल्स अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर देखिएगा कल का शो। और एक और भी चीज़ है, मैं भूल गई, और एक और सब और भी चीज़ें, हाँ 3 चीज़ें कल तो मैं बना रही हूँ। कल मैं सिंघाड़े की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप सोचेंगे सिंघाड़े की सब्ज़ी क्या होता है, सिंघाड़े जो आते हैं वो काले वाले वाटर चेस्टनट्स जिनको हम उबाल के खाते हैं वैसे एज अ स्नैक विंटर में, उससे मैं सब्ज़ी भी बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है, एज अ साइड डिश आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा कल हमारा शो और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। और अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।